अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? ठीक ठाक, मज़े में। तो आपका फेवरेट यूट्यूबर मानी भाई, लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि मैं आपको पता है आजकल पेट्स के बारे में बता रहा हूँ, वो कौन सी ब्रीड होती है और वो किस काम के लिए होती है। जैसे कुछ गार्ड डॉग्स रखना चाहते हैं और कुछ फैमिली डॉग्स रखना चाहते हैं, तो आज आपका भाई आपको यही बताएगा कि कौन सा डॉग किस काम के लिए आता है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, चूँकि अभी तुम्हारे भाई को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब्स और लाइक की ज़रूरत है। तो 40 सब्सक्राइबर हुए हैं अभी तो कुछ, तो अगर यार तुम्हारी सपोर्ट रही तो तुम्हारा भाई तुम्हें वीडियोस भी बना बना के देता रहेगा। बस यार तुम्हारे भाई को लाइक और सब्सक्राइब की ज़रूरत है, तो यार वो तुम ही दे सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ वीडियोस बना सकता हूँ तुम्हारे लिए, और तुम बस लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यार बस ये वीडियो भी देखो पूरी और लाइक और सब्सक्राइब करना। और तो पिछली दफ़ा मैंने हस्की के बारे में बता दिया, शेफर्ड के बारे में बता दिया, और अब मैं बताने लगा हूँ लैब के बारे में। तो लैब ब्रीड कौन सी होती है और वो किस काम के लिए शुरू होती है, वो किस काम के आपके काम आएगी। तो बस शुरू करते हैं। तो यार आपको मैं पहले बताना चाहूँगा लैब्राडोर किस काम के लिए आती है। तो यार अगर आप फैमिली डॉग लेना चाह रहे हो ना, फैमिली डॉग, तो उससे आपको लैब से अच्छा फैमिली डॉग कोई नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि यार अब लैब जो है ना, वो फैमिली डॉग है। अभी ना आपके पास अगर आपकी फैमिली बड़ी है ना, तो वह भी वो लैब हो जाएगा, आपके साथ खेलने लग जाएगा। ये जैसे आम डॉग्स होते हैं काटने लग जाते हैं, ये आपके साथ खेलेगा। कोई भी बड़ी फैमिली भी हो तो एडजस्ट हो जाएगा। ये है इसका, ये लैब जो है ना फैमिली डॉग इसलिए कहा जाता है, ये आपके जैसे आप कोई डॉग्स होते हैं नुकसान करते हैं, जैसे अभी आपका बेबी कोई घूम रहा है उसको पकड़ लिया, ये ऐसा नहीं है, उसके साथ खेलेगा। तो मैं आज यही बताऊंगा, अभी इसकी ब्रीड का भी बताऊंगा और ना, और जो इसका प्योर आप कैसे पता लगेगा कि ये प्योर है कि नहीं है, और उसमें कितने कलर्स होते हैं लैब में। तो यार अभी मैं आपको बताता हूँ लैब पता कैसे लगेगा कि ये ओरिजिनल है कि नहीं। यार एक तो ना इसकी ना जो टेल होती है ना, टेल ये देखें आप, देख सकते हैं ये टेल, ये टेल होती है ना यार, ये इसकी होती है हमेशा स्ट्रेट, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, पर ये ऐसे टेढ़ी नहीं होती जैसे आम डॉगीज की होती है ना, जैसे टेढ़ी होती है। ये आम डॉगी की लैब जो होता है ना, उसके जो एयर्स है ना, वो ना हेड के साथ ना चिपके होते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। और जो इसका माउथ है ना, वो जो इसका ये होती गाल, जिसको कहते हैं गाल, ये ना इसकी थोड़ी लटकी होती है, ठीक है। तो कभी भी आप किसी लैब लेने जाओ ना, तो उसकी टेल ज़रूर देखना। यहाँ तो आप ये कोशिश करना, जैसे अब आप लेने लगे हो लैब का बेबी, ठीक है, तो यार आपको पता, आपने ये तो देख लिया भाई लैब की, ये सब हो गया, पर यार आपने बस एक और काम करना है। यहाँ तो आप इसकी मदर की वो देखिए तस्वीर, यहाँ तो इसकी फादर की तस्वीर देखिए, ठीक है। यहाँ तो अभी हम लोग क्या करते हैं, आपको मैं सेल परचेजिंग भी करता हूँ, तो मैं आपको अपना नीचे नंबर दे दूंगा लिंक में। तो यार आपको अगर कोई भी डॉग चाहिए, आप अगर देख के आए हुए वीडियो, तो मैं आपको थोड़े प्राइज़ में दे दूंगा, आपके प्राइज़ में दे दूंगा। तो यार बस अभी ना अगर आप देखना चाहते हो तो ना, इसके पेपर्स भी होते हैं। अब हम लोग जो है ना पेडिग्री बेचते हैं, तो हम इसके पेपर्स जो होते हैं ना, वो भी दिखाते हैं कि नहीं ये जो डॉग है ये पेडिग्री है, ठीक है। अगर ये पेडिग्री नहीं होगा तो इसके पेपर नहीं होगा, ठीक है। और मैं आपको ये भी नहीं बोलना चाहूँगा कि पेडिग्री नहीं लो। अब जो ये है ना लैब, ये आपके ना प्राइस में आ जाता है, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा 60 से 70 हज़ार रुपये में, ठीक है, अगर आप ज़्यादा वो नहीं लें तो। वैसे वरना 1.5 लाख 2 लाख का भी लैब मिलता है, तो ये वैसे आपको रेंज में आपके 60 70 हज़ार का भी मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि 1.5 2 लाख रुपए वाली में वो बात हो जो लैब में हो। वो अभी आपको गोल्डन रिटीवर का भी बताऊंगा इससे अगली वीडियो में। तो यार अभी मैं लैब का बताया, जो 1.5 2 लाख वाला होता है वो होता है रिटीवर, जो ये होता है ना ये 60 से 70 हज़ार की रेंज में आपके आ जाता है लैब जो होता है ना पेडिग्री। अभी जो जब भी आप लेना, यहाँ तो उसकी मदर की पिक्चर देख लें, यहाँ फादर की देख लें, या तो आप खुद जाके फेस टू फेस देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो आप इसके पेपर भी देखें और इसके मदर फादर की भी देखें, तो आपको फिर कंफर्म हो जाएगा कि यार नहीं ये इसका ही बेबी है। क्योंकि आप बड़े मेल का तो बता सकते हैं, अभी आप छोटे बेबी का तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, ठीक है। तो आप बड़े का तो बता सकते हो कि नहीं यार ये बड़े, ये जो है ना लैब है, ये ब्रीड ही सही है। तो आपको मैं जब भी आप देखें, तो इसकी ये जो टेल होती है ना, बस आपने ये इसकी गौर करनी है टेल पे। इसका जो टेल होती है ना, ये सीधी होती है। कुछ डॉग्स की देखी होगी आपने, ऐसी मुड़ी ही होती है, वो नहीं आपने लेना।
जो इसकी टेल है ना आपने सीधी देखनी है, या तो ऊपर थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है वो कोई मसला नहीं होता, और जो इसकी गाल जो होती है ना जिसको गाल कहते हैं चिक्स, वो थोड़ी लटकी होती है, और जो इसके एयर्स हैं ना वो ना हेड के साथ जुड़े होते हैं, चार चिपक के होते हैं। तो आप, मैं इसके आपको बताना चाहूँगा कलर, कलर कौन कौन से आप ब्लैक का ले सकते हैं, ठीक है। तो यार ये सबसे पहले आ गया ब्लैक, ठीक है, फिर इसके बाद हो गया गोल्डन और वाइट, ठीक है, फिर उसके बाद आता चॉकलेट, ठीक है। अभी आप अगर लेना चाहे तो चॉकलेट भी बहुत अच्छा कलर है, ब्लैक भी बहुत अच्छा है, और वाइट और गोल्डन भी बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर आप लेना चाहें तो। आपको ऊपर नीचे इनके कलर्स होते हैं, और आपको एक और बात बताता हूँ, कुछ होते हैं ना डॉग्स के अंदर वो होते हैं डॉट डॉट से होते हैं, कभी निशान होता है, जैसे पूरा डॉग ब्लैक है एक वाइट, अब जैसे ये पूरा ब्लैक है, ठीक है, और इसके यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे वाइट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लैब का ये प्योर कलर होता है, ये वाला भी प्योर होता है और ये वाला भी प्योर होता है। अगर आप वाइट लेना चाहते हैं फुल वाइट में भी आता है, ठीक है, लैब जो है फुल वाइट में भी आता है, ये प्योर वाइट है, और ये ब्राउन है, ये प्योर ब्राउन है, इस कलर का भी आता है। अब ये देख रहे हैं डार्क गोल्ड है, अभी डार्क गोल्डन भी हो सकता है, क्योंकि ना ये हो सकता है डार्क गोल्डन वाइट भी हो सकता है, और ना ये जो ब्राउन है वो डार्क ज्यादा ब्राउन भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी इनके हम अभी पहुंचते हैं हेयर फॉल के बारे में, अभी इनके हेयर फॉल होते हैं कि नहीं होते। तो यार ये लैब है, अभी मेरी सैंडी है, अभी ये है इसके तो बड़े बाल होते हैं, हस्की है, तो ये लैब है इनके छोटे बाल होते हैं, पर इनके भी हेयर फॉल होते हैं, पर आम कुत्तों जितने नहीं होते, जैसे हर जगह बाल ही बाल बाल ही बाल, इनके इतने नहीं होता। अगर आप इनको केयर दें तो वह भी ये सही हो सकते हैं, और बेसिकली इनकी जो होती है ट्रेनिंग, तो आप इनको ट्रेनिंग भी ज़रूर दें, जैसे अभी आप इसको 1 महीने में ट्रेन करें ना, जैसे 1 महीना इसके ऊपर तवज्जा दें, सही वाली तवज्जा, तो ये आपका ट्रेन 1 महीने में होगा, ये बहुत जल्दी ट्रेन होता है, ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो आप इसको ना जैसे पोटी ट्रेनिंग देनी है, तो आप इसको खाना दें, अभी तो बेबी होगा, अगर आप बेबी लेंगे तो अलग बात है, खाना दिया बाहर ले गए, ठीक है, जब बाहर लेके जाएंगे तो उसको पता होगा कि नहीं यार ये जगह है जहाँ पे मैंने करनी है, ठीक है। अब इसको ये भी पता होना चाहिए कि ये घर है, ये घर है, इसको गंदा नहीं करना, ठीक है। अगर आप इसको घर पे रखेंगे तो ये होएगा, ये अब इसको यही होगा खाना खा लिया भाई ये जगह इधर ही कर दो जो मिला जगह, ये भी नहीं होता, ठीक है। आप इसको बाहर लेके जाएं, इसको पोटी ट्रेनिंग दें, और ये उसी जगह पे करेगा जहाँ पे आप जैसे इसको अब बाहर लेके जाते हैं, मैं अपनी सैंडी को बाहर छोड़ देता हूँ, उसको पता है ये घर के आगे भी नहीं करना, ठीक है। अब ये घर के आगे नहीं करती, जाके आगे करती, ठीक है, जैसे गली आगे। तो बस यार इसको ऐसे पोटी ट्रेनिंग वगैरह भी दिया करना, और ये फैमिली डॉग के लिए बहुत अच्छा, अगर आप जैसे गार्ड पर्पज़ के लिए तो शेफर्ड होता है ना, ये है फैमिली डॉग, आप इसको आप घर पे रखोगे ना तो आपको फैमिली डॉग वाला ही लगेगा, आपको पूरी फीलिंग्स आएंगी इसके अंदर, ऐसे होता है ना, नहीं यार ये अच्छा है, ये अच्छा, आपको घर में सिर्फ यही अच्छा लगा करेगा, ये ऐसा डॉग है, ये आपके दिल में खुद ही जगह बनाएगा कि नहीं यार मेरे को ये मालिक है, आपको कोई कुछ कहेगा ये पहले भौंकेगा कि इसके पास नहीं जाना आपने, ठीक है। आप अगर ये इसके पास, अगर आपके पास कोई आ भी जाता है इसके होते हुए तो ये इसको नहीं छोड़ेगा, ये काट लेगा, ये ऐसा डॉग है, ये आपके लिए जान भी दे सकता है अपनी, इतना ये समझो आपने मालिक को लेके हुआ होता है। तो यार बस लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और आगे आप जो सी वीडियोस मुझे बताओगे कि कौन सी वीडियो आपके लिए मैं बनाऊं, कौन से डॉग पे बनाऊं, तो यार मैं आपके लिए वो भी बना दूंगा, बस यार अपने भाई को आप थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है। तो मैं तुम्हारे लिए बस ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा, तो बस यार मैं अपना ये जो वीडियो है अपनी एंड करता हूँ, तो यार अपना ख्याल रखना, अब तक के लिए खुदा हाफिज़।